हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर बार की तरह ये वीडियो बहुत रैंडम होने वाली है। लाइक मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ क्या नहीं बोलने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज हमें पता चाहिए मेंस की डेट्स आ चुकी है। लाइक मैं इतनी नर्वस भी हूँ और साथ ही साथ मैं एक्साइटेड भी हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मॉक टेस्ट हमें इतने दिए नहीं है, बट वो एक वो चीज़ होती है ना कि जैसे मैंने सोच रखा था कि हाँ PYQs प्रैक्टिस करूँगी मैं इस टाइम, तो वो चीज़ हो रही है। और क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत मैथ्स में मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। लाइक आज सुबह से मैं स्ट्रेट लाइंस पे ही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एक वो चीज़ नाली है 2 चैप्टर्स पर डे, ठीक है। तो आज मेरे को बताती है कौन से चैप्टर करना है। पहले तो स्ट्रेट लाइंस करना है, ठीक है, और जो थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री का होता है वो, और उसके जो मतलब बूस्टर सेशंस और PYQs होते हैं वो ख़त्म करते हैं। लाइक थोड़ा सा मतलब ऐसे चल रही हूँ मैं, ऑर्डर मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है क्योंकि 3 नवंबर को टेस्ट है ना, तो उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। और बस जल्दी जल्दी आज के टारगेट्स, मतलब आजकल मैं एक दो दिन से बहुत लेट सो रही हूँ, तो आज के टारगेट्स बस कंप्लीट हो जाएँ जल्दी से। और फिर कल का है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और केमिकल इक्विलिब्रियम, और मुझे मतलब फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास के लेक्चर देखने हैं जो कि बैच में आ रखे हैं। और उसके बाद परसों का है जो सेंटर ऑफ मास में सर्कुलर मोशन लिया है, उसके बाद उसका बूस्टर करना है, PYQs करने हैं, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम भी एक ही दिन में करना पड़ेगा। लाइक कुछ ऐसे टास्क रख रही हूँ मैं कि एक दिन में चैप्टर कंप्लीट हो पाए। फिर सर्कल्स का लेक्चर्स देखने हैं, फिर 1 नवंबर को होगा कि मुझे जो भी सर्कल है जो मैथ्स वाला सर्कल होता है उसका बूस्टर देखना है, और बेसिक मैथ वाले लेक्चर में से मेरा कुछ फंक्शंस वगैरह का पोर्शन रह गया तो वो मुझे उसका लेक्चर देखना है। लाइक लेक्चर मेरे को कभी कभी पता है अभी कुछ दिन पहले से लेक्चर देखने में बड़ा आलस आता है। लाइक ऐसा लगता है कि नहीं यार मन नहीं करा लेक्चर देखने का, बट वही ना लेक्चर नहीं देखूंगी तो समझ कैसे आएगा। और लेक्चर देखने के बाद लिटरली क्वेश्चंस हो जाते हैं, एंड ट्रस्ट मी एनवी सर अच्छा मैथ्स कोई नहीं पढ़ाता। लाइक मैंने लेक्चर देखा है, मतलब उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें वैसे है मेरा परसों का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने हैं कल का, सॉरी, बट वो मैं मतलब आधे लेक्चर्स पहले कर चुकी हूँ उसी बैच में। तो मतलब आज हमने PYQ बुक उठा के बैठी तो लिटरली क्वेश्चन हो रहे थे, और आई रियली फेल्ट वेरी गुड गुड गुड, अच्छा लगा बहुत, ठीक है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर देखने हैं 1 नवंबर को, सर्कुलर मोशन के देखने हैं 2 नवंबर को, पैराबोला और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, सर्कुलर मोशन है। लाइक बहुत सही सिस्टमैटिक वे में चल रहा है मेरा। टेस्ट का ऐसा है कि अभी जो फर्स्ट टेस्ट था वो तो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मतलब उसमें काफ़ी बेसिक चैप्टर्स तो थे ही जिसमें मैंने लेक्चर देखने में थोड़ा आलस कर दिया, और PYQs फिर उसकी करे नहीं। तो मैंने सोच रखा है कि पहले मैं 3 नवंबर को ये टेस्ट दे दूँ, फिर नेक्स्ट डे जो भी मेरे PYQ रहते हैं वो वाले जैसे 1D 2D के या फिर जो भी रहता है वो अच्छे से मैं एक दिन में रिवाइज करूँगी, अच्छे से कंप्लीट करूँगी जो भी रहेगा, उसके बाद वो टेस्ट दूंगी मैं। अब मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रही हूँ कि फिर सब कुछ मैस अप हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी जो चैप्टर चल रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अभी नहीं करे तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाद में अगले महीने बहुत टफ चैप्टर्स आ रहे हैं। लाइक 10 नवंबर के बाद मैंने अपनी चेकलिस्ट अपनी दीवार पे लगा दी है, और हाँ बस और तो क्या ही बोलूँ। बाकी आज मतलब मैं नोट्स नहीं बनाती, लाइक मैंने कुछ 3 घंटे का लेक्चर देखा, उसके बस एक शीट पे फॉर्मूलाज लिखे हैं जो भी हुए, और क्वेश्चंस मैं अलग रजिस्टर में करे, लाइक पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करूँ, कि थोड़ा बहुत तो खुद पढ़ ही रखा है ना स्ट्रेट लाइन्स, उस हिसाब से करें। बाकी मैं दिखाती हूँ, वर्क पावर एनर्जी के भी नोट्स बना रखे हैं मैंने, और NLM के भी, मतलब NLM का मैंने जैसे ABG सर के लेक्चर्स देखे थे ना, तो मैं दोबारा लेक्चर्स नहीं देखना चाहती, उसमें टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। हालांकि ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, 3 घंटे का लेक्चर आया हुआ है NLM का, बट भैया ना मैंने फिर नोट्स ही देखे, नोट्स रेफर करे, जो भी फॉर्मूला वगैरह थी उसकी फॉर्मूला शीट बना ली, बाकी डेरिवेशन वगैरह तो मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग लेंथ लेक्चर देख के जो है बना रखा है ना, तो वो मैं चीज़ रिपीट नहीं करी, उसका बूस्टर देखूंगी मैं, और
हाँ बैच में एक नए सर आए, आमिर सर, और वो सही पढ़ा रहे हैं, लाइक फिजिक्स बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हैं। लाइक मुझे इंद्रजीत सर भी इतने बुरे नहीं लगे फिजिक्स पढ़ाने के मामले में जितना इंटरनेट पे है। लाइक बहुत अच्छे फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, मतलब एडवांस लेवल की पढ़ाते हैं, मेंस लेवल का बोल के क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से करवा रहे थे वो। लेकिन जो अमित सर है वो सिर्फ मेंस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता कि इंद्रजीत सर को कोई हेट देनी चाहिए थी जितनी रेडिट वगैरह भी मुझे दिख गई है। लाइक सीरियसली यू गाइस, यू तुम्हें तो पढ़ना है ये इंटरटेनमेंट चीज़ें, समझ नहीं आता कुछ लोगों का तो। बाकी हाँ, मैंने एक नई टू डू लिस्ट डायरी लिया अपनी, इसके अंदर जो भी होता है मैंने मतलब 1 वीक की टू डू लिस्ट बना लिया। मैं फिर अगर कंप्लीट नहीं करूँगी तो मुझे रिग्रेट होगा, और ऐसा मतलब रूल बनाया है मैंने कि अगर एक दिन में मेरा नहीं हो पा रहा है कोई टास्क तो वो मैं नेक्स्ट डे नहीं करूँगी। लाइक इससे क्या होगा, इससे फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा कि हाँ आज ही करना है जो कर रहा है, कल नहीं होगा वो, तो इससे डिसिप्लिन आएगा। और उस डिसिप्लिन के चक्कर में मुझे 2 2 बज रहे हैं रात को सोते हुए, और मेरी नींद खराब हो रही है, बट इट्स रियली ओके। लाइक ओके अभी दिवाली है परसों, पर दिवाली में कुछ करना नहीं है ज्यादा, मतलब वही है ना, डेकोरेशन तो वगैरह जो भी मम्मी है और घर पे बाकी लोग हैं वो करेंगे, डेकोरेशन में मेरा कोई हाथ तो बटेगा नहीं इतना। बस वो है कि मतलब पटाखे वटाखे फूटेंगे, बाकी पढ़ना तो पढ़ना अपनी जगह यार, मतलब हाथ तैयार वगैरह होना है, फोटोज वगैरह खींचनी है, वो तो ऑब्वियसली यार दिवाली की एक्साइटमेंट होती है। बट फिर दिवाली का थोड़ा मैंने टास्क थोड़ा लाइट रखा है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम कर देते हैं दिवाली वाले दिन इतना। मतलब मेरे को याद है दिवाली पे पिछले साल मैं पढ़ने बैठी थी, पिछले साल दिवाली पे मतलब आंखें बहुत जल रही थी, लाइक क्योंकि तुम्हें पता दिल्ली में कैसा पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं मतलब अगर यहाँ पे 9 10 बजे जो भी बालकनी का दरवाजा है जो भी खोल दिया जाए और जो भी धुआं वगैरह है वो घर में आता है, तो उस टाइम तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो या फोन देख रहे हो, तो तुम्हारी आंखें जलने लग जाती है उस चीज के वजह से। तो क्योंकि जितना धुआं अंदर आ चुका होता है उस वजह से तो फिर इरिटेशन होती है, तो उस दिन ज्यादा नहीं हो पाती पढ़ाई या फिर जो भी है, बट ज्यादा नहीं हो पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना करो, टू डू लिस्ट में कुछ ना कुछ लिखा है। और बाकी ये मेरा नया रूम है, मैंने कहा ना मैं शिफ्ट हुई थी, और अभी सामान अच्छे तरीके से सेट हुए नहीं है, और मैं अभी ये रूम टूर वगैरह ये वाली चीजें कर नहीं रही। हालांकि अभी मेरा स्टडी टेबल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नो आई एम नॉट हेयर फॉर दैट, क्योंकि मैंने विजन बोर्ड लगा रखा है, और विजन बोर्ड लगाने का एक रूल होता है कि विजन बोर्ड किसी को दिखाना नहीं होता, लाइक नॉट इन द सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, लाइक इसलिए क्योंकि रूल होता है कि हाँ भाई जब तक कोई चीज नहीं मिल जाती तुम्हें नहीं दिखानी चाहिए, बस वही है, विजन बोर्ड नहीं दिखाना है मुझे किसी को। और मैंने अपना जो भी बूस्टर की चेकलिस्ट है वो अपने सामने लगा रखी है, अभी कुछ कुछ डॉट्स इसमें हो गए हैं मैंने मतलब टिक कर दिए हैं, बट अभी कुछ कुछ थोड़ा बहुत PYQ वगैरह प्रैक्टिस रहती है, PYQ 2024 वाले अभी करने हैं वो मुझे, बट वही है ना कि पहले बैच के हिसाब से जो भी थ्योरी लेक्चर है वो पूरी करूंगी मैं। ठीक है, जैसे आज क्या है, आज 29th है ना, तो आज सर्कल जो पैराबोल होना चाहिए था, बट आज मैं स्ट्रेट लाइंस कर रही हूँ, तो वही है ना कि अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर नहीं खत्म करूंगी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, बस वही चीज है। 3 नवंबर को टेस्ट है, उसके बाद फिर अलग शेड्यूल है। और बाकी मेरे को ना एक चीज अच्छी नहीं लगी कि जो 3D ज्योमेट्री मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर जैसे चैप्टर है वो एकदम लास्ट में है, बट वो चैप्टर मैंने खुद से कर रखे हैं, तो मतलब मैंने आज PYQ वाली बुक देखी थी, तो उसमें था कि 2024 2023 के एनालिसिस के हिसाब से वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक काफी वेटेज पे आता है, तो मैंने सोचा मैं उसको लास्ट में नहीं करूंगी, लेकिन बैच में जब आएगा तब करना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में मैं जल्दी जल्दी जो भी है लेक्चर अभी 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 के जो टास्क है ना 1 हफ्ते वाले बाद वाले वो जल्दी जल्दी निपटा के फिर जो भी वेक्टर 3D ये सब है ना और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करूंगी, कि इनकी वेटेज ज्यादा है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ यहाँ पे, बट यार देखो मेरे लिए वीडियो जर्नल का मतलब वीडियो जर्नल ही है, ठीक है, जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ यहाँ पे, जो मैं सोच रही हूँ, ठीक है, मैं इस इंटेंशन से वीडियो नहीं बना रही कि तुम्हें मोटिवेट कर दूँ, बस वही एक पर्सनल जर्नल है, ठीक है। कुछ सालों बाद मैं अपनी ये वीडियो देखूँ तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ सच में मतलब किया था। बाकी थोड़ा बहुत ऐसे भी लगता है, थोड़ा सा मतलब
लाइक इतने टाइम से ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कभी कभी बहुत डिमोटिवेशन आ जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है. और ये जो स्पेशली जो 2 महीने होते हैं ना, इस टाइम ऐसा लगता है कि या तो दो रास्ते हैं, या तो बहुत अच्छी परसेंट हिला जाएगी या तो बहुत ही गंदी आएगी. ये दो ही दो दो ऑप्शन ही दिखते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखते. कभी कभी ऐसा, जैसे अभी मैं इतना एक्साइटेड फील कर रही हूँ, लाइक मैंने सोचा है कि अब फॉर्म आ ही गया है जेई मेंस का, तो अभी नहीं भरूंगी मैं दिवाली के नेक्स्ट डे या दिवाली के कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने अभी पता नहीं अपडेट वगैरह देखी, ग्लिच वगैरह आ गया, कुछ हो गया कुछ हो गया. तो सबसे पहले हड़बड़ी में नहीं भरना, ठीक है, दिवाली के बाद 1-2 दिन में भर दूंगी वो फॉर्म, मैं ऑनलाइन ही भरूंगी, ठीक है. और बस इसके अलावा तो मुझे कुछ बोलना नहीं है अभी. बाकी मैं सोच रही थी स्टडी विद मी करने के लिए यार, बट मेरा मन नहीं करता स्टडी विद मी करने का. मेरे को बिल्कुल मतलब एक प्रॉपर स्टडी यूट्यूबर नहीं बनना मुझे, ठीक है. मैं अपनी लाइफ जर्नल कर रही हूँ, कल को मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मैं कॉलेज का जर्नल करूंगी, मतलब जो भी वहां पे मैं बना रही हूँ, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ यार, वो मैं डालूंगी यूट्यूब पे, ठीक है. मैं ब्लॉग भी डालूंगी, मैं सब कुछ डालूंगी, ठीक है. तो मैं यहाँ, मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं स्टडी यूट्यूबर बनूँ, वरना मैं सब कुछ करती, बट मेरा वो मोटिव एक्चुअल में है नहीं कि मैं एक स्टडी यूट्यूबर बनूँ, स्टडी विद मी करूँ या स्टडी टिप्स दूँ. मैंने 10th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को लास्ट ईयर बहुत वीडियोस बना के टिप्स दी है, और मैं अब थक गई हूँ. मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट बस नहीं डालना चाहती, ठीक है. लाइक अभी तो डाल रही हूँ, बट नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली आई होप सो मैं कॉलेज ब्लॉग्स डाल रही हूँ, मैं कॉलेज ब्लॉग्स डालूंगी, ठीक है. और जो भी है मेरी जेई जर्नी रही जैसी भी, वो भी अपलोड करूंगी. आई होप दी बेस्ट. बाकी जो भी होता है वो हमारी मेहनत के हिसाब से होता है, ठीक है, एज वी ऑल नो. चलो अब बस आज के लिए इतना ही, ठीक है. तो अब देखते हैं कल परसों कब आती है वीडियो. आई रियली ट्राई टू बी रेगुलर, लेकिन कल कल बस नहीं हो पा रहा है, कल बस शक्ल गंदी लगी थी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था कि क्या ही बोलूंगी वीडियो ऑन करके, ठीक है. तो क्योंकि कल मैक्सिमम पढ़ाई मैंने रात को करी, कल दिन में मतलब इस टाइम अभी पढ़ रही हूँ, इस समय इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी. तो फिर जब मैं पढ़ नहीं रही होती तो मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता कि क्या ही बनाऊंगी, क्या ही दिखाऊंगी वीडियो बना के. एंड या चलो आज के लिए बस इतना ही, एंड टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली. मैं दिवाली वाले दिन ना जब रेडी होंगी, ठीक है, जब भी मतलब बहुत होता है ना, हम ट्रेडिशनल पहनते दिवाली के, तब वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. तब मैं यहाँ पे आके हैप्पी दिवाली बोलूंगी, ठीक है. बाय बाय.